श्रीमती कमला देवी जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के बारे में बोलने का समय दिया। महोदया, भारत में पंचायतें प्राचीन काल से ही जीवन का अभिन्न भाग रहा है। भारत के गांव का विकास एवं उसमें रहने वाले अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत था। 73वें संविधान संशोधन के त्रिस्तरीय पंचायतों में आज राजनीतिक सशक्तिकरण प्रगति की ओर है। स्थानीय स्वशासन की प्रणाली के रूप में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है। देश की आधी आबादी को इन संस्थाओं में 33% का आरक्षण देकर नेतृत्व प्रदान की है। इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि सभी दलों को साथ लेकर दली भावना से ऊपर उठकर आबादी एवं जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा में भी जल्द से जल्द 33% आरक्षण लागू कर महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर दें। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्य संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह सहित मध्य प्रदेश सरकार, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में प्लीज सुने केंद्र सरकार से पहले इन संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए हैं। देश के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाएं योजनाओं व कार्यों का निष्पादन कर विकास को गति प्रदान कर रही है। निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारियों के कार्य क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण तथा संसाधन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायतों को व्यापक शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारी है, जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वहन की जा रही है। इन्हें और अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कस्बों को शहरों की तरह बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके विकसित करने की घोषणा की थी, जिससे मजदूरों का शहरों की ओर पलायन रोककर शहरों को भी जनसंख्या के दबाव से मुक्त किया जा सके और देश का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण विकास बोर्ड ने 166 परियोजनाएं मंजूरी दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ में नाम मात्रा की परियोजनाएं शामिल है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा एवं पावर हब की दृष्टि से संपन्न है और केंद्र सरकार को भी भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, किंतु फिर भी केंद्र सरकार द्वारा इस राज्य के विकास के लिए समुचित धनराशि मुहैया नहीं करा जा रही है। आज भी बस्तर, दंतेवाड़ा सहित जांजगीर चांपा जिला पिछड़ा, विकास के नाम पे पिछड़ा हुआ है, दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं और एक केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं सामने आ रही है। यदि गांवों का समुचित विकास होगा तो जनसाधारण में जागरूकता आएगी और समस्याएं अपने आप समाप्त होगी। शासन अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहती है, लेकिन अधिकांश अंतिम छोर के व्यक्ति बीपीएल सर्वे के समय अन्यंत्र कमाने खाने जाया रहता है, जिससे उस परिवार का नाम सूची में नहीं जुड़ पाता, जिससे सरकार की उनके लिए बनने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और ऐसे व्यक्ति स्थानीय प्रतिनिधियों, अधिकारियों के पास आवेदन देते फिरते हैं। मेरे विचार से पूरे देश में जनगणना की भांति एक साथ एक समय में राष्ट्रीय स्तर पर बीपीएल सूची बनवाया जाकर उन्हें ऊपर उठाया जाना चाहिए। महोदय,
मुझे स्वयं त्रिस्तरीय पंचायत राज के तीनों स्तर पर चुनी हुई प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर जनताओं द्वारा दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इन्हें और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता जरूरत है, जिससे गांव में महात्मा गांधी का राम राज्य का स्थापना का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।